दोस्तों आपने कौवे और बांस की कहानी तो सुने होंगे। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बांस को चोंच मारने की हिम्मत करता है। बांस के ऊपर बैठ जाता है और गले में काटता है और चोंच मारता है। लेकिन बांस क्या करते हैं? बांस पलट कर कोई जवाब नहीं देता, ना ही कौवे से लड़ने में समय बर्बाद करते हैं। तो बांस क्या करते हैं? अपने पंख खोलते हैं और उसी उड़ान लगाते हैं। जितना ऊंचाई होता है उतना सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। उसी वजह से एक ऊंचाई पहुंचने के बाद कौवा अपने आप गिर पड़ते हैं। सिमिलरली आप भी अपना समय किसी से लड़ने में, किसी से झगड़ने में बर्बाद ना कीजिए, उसी उड़ान भरिए, ये जो कौवा है अपने आप मिट जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे यहाँ मेरा कंपोनेंट देख पा रहे हो, मेरा कंपोनेंट जो है जॉयस्टिक का कंपोनेंट है, तो इसकी जो है हम आज फीलिंग सिस्टम करने वाला है। फीलिंग सिस्टम इन द सेंस जो मैं आपको कराऊंगा वो बेसिकली फीलिंग सिस्टम है, जिसमें आपको स्क्रू रनर गेट वगैरह लगा के दिखाऊंगा और उसकी कैलकुलेशन कैसे होंगे। बेसिकली इस जो आपकी टूल है, जो आप ये कोर प्लेट देख पा रहे हो, इस कोर प्लेट की जो है आज मैं आपको एज गेट करा के दिखाऊंगा। जो भी मैं एज गेट कराऊंगा सारा कैलकुलेशन से कराऊंगा, इस तरीके से कंपोनेंट में कैसे एज गेट बनाना पड़ता है, कितना हाइट होना चाहिए, कितना ड्राफ्ट होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, ओपनिंग कितना होना चाहिए, तो हर एक चीज़ें इसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी मिस करेंगे एज गेट के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। किसी भी अगर कुछ चीज़ें पूछना है तो कमेंट सेक्शन में अगर पूछ सकते हो, और जिसको भी क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, एडवांस मॉड्यूल वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप का जो है कोर्स वगैरह अवेलेबल है, सोलिडस में भी कराता हूँ, एडवांस कोर्स वगैरह मोल्डिजन में भी कराता हूँ, एडवांस कोर्स आपको केटीएम में भी कराते हो, तो अलग अलग मॉड्यूल है, जिसको भी ज्वाइन वगैरह करना है नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है। जिसको भी जॉब वैकेंसी वगैरह के अपडेट वगैरह सही है तो यहाँ पे भी जॉब वैकेंसी वगैरह का अपडेट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो हर एक जो कोर्स है इसकी डिटेल आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। जॉब वगैरह अपडेट देखना है तो यहाँ पे जाके आप जो है करियर में जाके आपका जॉब वैकेंसी जो है रिसेंट क्या क्या है, तो अभी कौन सी सीजन प्लेस्ड हुआ है, तो सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप जो है यहाँ पे अपडेटेड रह सकते हो। तो जिसको भी ये वाला फाइल चाहिए, जो फाइल है नीचे अपना मेल आईडी डाल दे तो मैं उसको फाइल शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो ये कंपोनेंट है आप देख पाओगे, आप लोग ने बचपन में खेले होंगे जॉयस्टिक का है, तो यहाँ पे दो लिफ्टिंग होल डाल रखा हूँ इसको उठाने के लिए, और यहाँ पे जो है फिट दे रखा हूँ मैं, तो यहाँ पे रिलीफ रहेंगे, इतने रिलीफ रहेंगे लगभग 30 mm 30 mm जो है टाइट फिट में रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, सबसे पहले हम जो है इसकी रनर बनाएंगे। तो रनर बनाने से पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्केच लूंगा, सरफेस में जाऊंगा। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पे मैं स्केच लूंगा, अब मैं कंट्रोल एक कर दूंगा। कंट्रोल एक करने के बाद सबसे पहले मेरे को ये देखना है, ये जो मेरा एज है मतलब जहाँ मेरा जो है रनर कनेक्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे जो मेरा एज है तो यहाँ पे, तो यहाँ से मैं लगभग 2 mm का रिवर्स डायरेक्शन में एक वो बनाऊंगा। ठीक है, 2 mm का। ओके, उसके बाद मेरे को यहाँ पे सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद इसको अगर मैं कंट्रोल एक कर दूंगा, कंट्रोल एक करने के बाद फिर यहाँ से एक मैं इसकी सेंटर लाइन निकाल लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैं सेंटर लाइन निकाल लूंगा। सेंटर लाइन निकालने के बाद यहाँ से एक मैं लाइन लूंगा बेसिकली। तो अभी जो ये मेरा लाइन है इसको मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का सिंबल दे दूंगा। अब उसके बाद आपका जो ये लाइन बनेंगे ये इस पॉइंट से बनेंगे। ठीक है, 2 mm ऑफसेट से बना रहा हूँ मैं। 2 mm ऑफसेट से क्यों बना रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले आप जो है आप इसको सीखो 2 mm गैप रख के बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ट्रिम कर दिया। क्लियर, अब ट्रिम करने की बात, इनकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये कितना एम एम है, 130 mm है, तो इसको मैं कम करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा 120 के अराउंड। ठीक है, 120 अराउंड मेरे हिसाब से ठीक है, और थोड़ा सा आगे करना है तो आप आगे भी कर सकते हो। इसको जो है हम यहाँ से स्केच को एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद इसको मैं वर्टिकली जो है इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा। अब जो है प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, किसी को अगर प्रोजेक्ट करना है प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं जो है थोड़ा सा अलग तरीके से कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 60 mm की इसको मैं रिवर्स डायरेक्शन में ले जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको इसको अलग तरीके से करना है, प्रोजेक्ट से भी करना है, स्केच बना के प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, हम अलग अलग केस में अलग अलग कंडीशन करते हैं, ये मेरे ऊपर है मैं कौन से वाला ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा, जाने के बाद जो है सिंपली मैं यहाँ पे जा रहा हूँ स्केच में जाऊंगा। स्केच में जाने के बाद इंटरसेक्शन कर्व लूंगा। इंटरसेक्शन कर्व के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक ये फेस चाहिए, एक ये फेस चाहिए। ठीक है, दोनों फेस के बीच में जो इंटरसेक्शन होंगे वहाँ पे कार्व आ जाएंगे। अगेन इंटरसेक्शन कार्व चाहिए, यहाँ पे जाऊंगा मैं, अगेन जाऊंगा इस फेस में, तो दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होंगे मैं इंटरसेक्शन ले लूंगा। एक एक करके करना है आपको, ठीक है, एक साथ 10 मत कर देना। क्यों नहीं करना है, फिर बाद में दिक्कतें आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी लाइन आ जाएगी, उसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे जितना चाहिए उस अकॉर्डिंग मैं इंटरसेक्शन लूंगा। ठीक है, क्लियर, आपको स्ट्रेट नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर में है, तो कर्वेचर में है तो आप स्ट्रेट नहीं लोगे। तो 3D स्केच से मैं यहाँ से एग्जिट कर दे रहा हूँ।
एग्जिट करने की बाद ये जो आपका स्केच है, इस स्केच को मैं यहाँ से जो है, मैं जो जितना भी मेरा सर्फेसेस है, क्योंकि मैंने 3D स्केच है ऑलरेडी, यहाँ से एग्जिट कर रखा हूँ। अब मेरा जो है इस वाले जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की जो सरफेस है, ये सरफेस जो है इसको आप हाइड कर दो। अब सरफेस आपका काम का नहीं है, तो मैं सरफेस को हाइड कर दिया, ठीक है, ये मेरा हाइड हो गया। अब ये बाहर आ रखा है, अभी एक साइड बना के मैं मिरर करूंगा, तो आप देखो है ना, ये कंपोनेंट एक ही है, यहाँ पे पैटर्न हो रखा है, तो आपको मिरर नहीं करना है, पैटर्न ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हम चेयर से यहाँ पे देखोगे ये मेरा स्केच है। अब इस स्केच में मैं सीधा यहाँ पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं क्या करूंगा, स्वीप ले लूंगा, स्वीप लेने के बाद सर्कुलर स्वीप। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक करके सिलेक्ट करूंगा, कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रुप सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट करने के मल्टीपल कंटिन्यूअस ग्रुप है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रुप सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो इस केस में क्या करोगे, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के सिलेक्ट मैनेजर ऑन करना, सिलेक्ट मैनेजर को ऑन कर लेना लाइक दिस, उसके बाद ओके कर देना है। कंटिन्यूअस ग्रुप नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप यहाँ तक है, इतना मुझे नहीं लगता इतना एरिया काफी है, तो इसको हम इतना ही कर देते हैं। और की बात यहाँ पे जो 10 mm है, 10 mm के बाद 6 mm कर देंगे, मैं से का रनर ले रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन, से का रनर मैं कैसे लिया, क्या कैलकुलेशन होता है, अगर आपको इसी तरीके से क्लासेस वगैरह सीखना है, समझना है, तो आपको जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं सारा कैलकुलेशन समझाता हूँ। 6 mm रनर कहाँ मिलता है, कितने ग्राम की पीस के कितने ग्राम का रनर होना चाहिए, रनर का डायमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे, सारा चीजें मैं बताता हूँ, तो ध्यान से सीखो। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में जाके यहाँ पे मार्ज हो रखा है, तो मार्ज बॉडी को मैं हटा दूंगा, ठीक है। इसको भी उस लेवल में क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से एडवांस मॉड्यूल वगैरह में क्लासेस करते रहता हूँ, अगर आपको इससे भी एडवांस मॉड्यूल करना है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, एक बार जाकर सिलेबस वगैरह सही है, नंबर मेंशन दे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 mm का रेडियस में दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक मेरा जो मेन रनर है बन गया, अब मुझे यहाँ की सब रनर बनानी है, ठीक है। तो सब रनर बनाने के लिए यहाँ पे जो हिस्ट्री वाला फाइल है ना, ये जो 3D स्केच है, इसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा। शो करने के बाद अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्वीप में जाने के बाद ये जो मेरा कार्ब है इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ये सिंगल कार्ब है, आपको अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वाली में जाना है, राइट क्लिक कर लेना है, राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्शन मैनेजर में जाके ये वाला सिलेक्ट करके ओके कर देना है। 6 का चाहिए, ऑब्वियसली मेरे को 6 का चाहिए, तो यहाँ पे मैं 6 करके ओके कर दूंगा। ओके करने की बाद यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, यहाँ पे रेडियस मांगता है, ठीक है। तो रेडियस कितना चाहिए, यहाँ पे 6 का डायमीटर ले रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं कितने का मारूंगा, ऑब्वियसली बात है 6 का लिया तो कितने का मारूंगा, मैं 3 का मारूंगा, यहाँ पे 3 का रेडियस मारना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप 2 का मार सकते हो, ठीक है, बट बेसिकली ये जो मैं क्या के मार रहा हूँ, 2 का मार रहा हूँ ना, आपको 3 का मानना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, लाइन टू लाइन कटर चलाता है ना, तो इसको अलग से ही थोड़ी ना रेडियस मारेगा, कितने का, अगर मैं 6 का बना रखा हूँ, 3 का टूल है, 6 का है ना, ये 6 का है, तो कितने का हो जाएगा, आप उतना डबल का वो टूल चला देगा। अब मार्स को हटा दो, अब यहाँ से उनके लिए इजी हो जाएगा, तो अगर मैंने तो 6 का बना रहा हूँ, मतलब 12 का टूल चला देगा बंदा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हाफ ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, दोनों अलग अलग हो रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको जाके हम यहाँ पे 3 का एरिया चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी आगे का गेट बनाने के लिए। तो बेसिकली जो कंपोनेंट है, या कंपोनेंट में कौन सा गेट आना चाहिए, तो आपका कंपोनेंट है, यहाँ पे हम जो है एज गेट यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके के कंपोनेंट में हम एज गेट यूज करते हैं। अब एज गेट का कैलकुलेशन क्या है, कौन कहाँ एज गेट यूज करना है, टेप गेट कहाँ यूज करना है, फैन गेट कहाँ यूज करना है, ऑलमोस्ट ये गेट जो होता है ना देखने में सेम ही होता है, किसी का थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, वो चीजें सीखना है ना, तो आपको डिटेल में क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीजें मैं सिखाता हूँ, ठीक है। और जो सॉलिडॉक्स कराता हूँ उसमें, सॉलिडॉक्स में भी कराता हूँ, KTM में भी कराता हूँ, NX में भी कराता हूँ, जिसको जिस लेवल में सीखना है आपको पता कर सकते हो वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे सरफेस में जाके, यहाँ पे प्लेनर सरफेस है, मैं यहाँ पे ऑफसेट सरफेस ले लूंगा, ठीक है, 0-0 कर लूंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब मेरा यहाँ तक काम हो गया, अब ये जो सरफेस है इसको रखूंगा, बाकी जो बॉडी है इसको मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस बॉडी को मैं यहाँ से गायब कर दे रहा हूँ। अगेन इसके बाद जाके यहाँ पे मैं स्केच लूंगा, स्केच ले लिया, कंट्रोल एक कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल एक कर दिया मैंने यहाँ पे। कंट्रोल एक करने के बाद आपको करना क्या है, ये लेना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि मैं जिस तरीके से गेट बता रहा हूँ ना, कभी दिक्कत होगा, कोई फ्लो ब्लो का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस हिसाब से गेट करा रहा हूँ ध्यान से आप समझना। यहाँ पे 4 mm का ले लिया मैंने, ठीक है, 4 mm ले लिया ध्यान से। और यहाँ पे जो आपकी सेंटर है, यहाँ से ये 6 mm का लिया हूँ ना मैं, तो 6 mm ले आऊंगा, तो इसका मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट से मैं कितना रहेगा, कितना रहेगा, 4 का है, 6 का है, तो कितना रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम में
मेरा नेट कनेक्ट है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अब नेट ऑफ करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2.3 है, तो हम जो करेंगे यहाँ पे कितने का आपका आएगा, 6 का है। 6 का साथ मतलब आपका पार सेट कितना का चाहिए, ठीक है। तो 3 का हमने दे दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ से ये स्केच और आपका ये जो स्केच है, तो इसका स्केच है, इनको आप जो है 0-0 कर दो, डन। यहाँ तक हो गया। अब मैं यहाँ से इसको एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करके जो भी स्टार्टिंग सरफेस है आपकी, उस सरफेस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। मतलब सरफेस के ऊपर काम कैसे करोगे, कुछ कुछ चीजें होती है जो आपको यहाँ पे समझना होता है, ठीक है। वो चीजें आपको समझना है, समझना कैसा है मैं बता देता हूँ आपको। कुछ चीजें सरफेस में जब काम करते हो, कुछ कुछ सरफेस के साथ आपको खेलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ये है इसको मैं सिलेक्ट करा है, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं अराउंड 1 mm का रख दूंगा, बाकी जो परसेंट है इसको मैं ऐसे रख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा ट्रिम सरफेस में, ठीक है। आ जाऊंगा मैं ट्रिम सरफेस पे, ट्रिम सरफेस सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद किसको सिलेक्ट करना है, इसको, किसको रखना है, किसको हटाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और उसके बाद इस सरफेस को मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये जो सरफेस है ये बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा सरफेस बन गया है। अब वो मेरे को अगर कॉम्पोनेंट बहुत पतली है तो इस केस में मुझे इसकी डायमीटर जो डिस्टेंस होगा ना वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके इसको थिकन करूँगा। थिकन ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, आपको कैसे करना पड़ेगा, थिकन में जाना है। जाने के बाद जो है ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो इसकी जो डायमीटर होंगे ना कितना थिकनेस का होगा, ये हम जो है 0.8 का थिकनेस का रखना है, ठीक है। तो 0.8 थिकनेस करने के बाद ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब दोस्तों मैं नहीं चाहता पहले मैं इसको यूनिट करूँ, क्योंकि मैं यूनिट जो है बाद में करूंगा, ठीक है। तो इसको मार्स बॉडी को मैं यहाँ से हटा लूंगा। हटाने के बाद अब यहाँ पे हम खेलेंगे थोड़ा सा। कैसे खेलना है आपको, खेलने के लिए जो है आपको सीधा जाना पड़ेगा यहाँ पे ड्राफ्ट में, इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेना। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद इसके जो एज है, इनको ये जो दोनों है इसको मैं कितने mm का कर लूंगा, ये मैं कराऊंगा 8 mm का, 8 degree जो दूंगा। इतना डिग्री ज्यादा होगा उतना फ्लो का दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो है यहाँ पे इस सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, इस सरफेस सिलेक्ट करना, ये वाला ज्यादा देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम जो है 15 degree का दे देंगे, ठीक है। तो 15 degree का हमने ड्राप दे दिया, ठीक है। ये बाहर निकल के आएगा, कोई बात नहीं, डरने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ पे हल्का सा आपको रेडियस यूज कर देना है, ठीक है। एक का रेडियस हम यूज कर देते हैं, एक सफिशियंट होता, ज्यादा रेडियस में यूज मत करना है, ठीक है। एक का रेडियस आपको यूज कर देना है, ठीक है। यहाँ तक बन गया है मैंने। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट एडिटिंग में जाके कॉम्बाइन में जाना है। जाने के बाद ऐड ये ऐड ओके कर दे, ओके हो गया। तो आपका ये बन गया। अब इसको हटाना, इसको हटाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिलीट फेस में जाएंगे। डिलीट फेस के जाने के बाद हम इन तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट एंड पैच को ऑन कर लेना, ठीक है। अब इसको आप ओके करके इसको हटा दो, कैनट भी डिलीट है क्योंकि एक सरफेस है वो रह गया है इसलिए नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा ये देखो, ठीक है। तो अगेन जो है यहाँ पे हमको रेडियस मानना था, हमने रेडियस मारा नहीं है, तो रेडियस पहले मानना चाहिए था आपको, एक एक, एक का। उस केस में हमने रह गया है, यहाँ पे रह जाएगा तो इस तरीके से आएगा। तो इसको कंट्रोल जेड करके, तो ये वाला फिलेट था ना, इस फिलेट को हम एडिट करके इसी में ही इसको ऐड कर देंगे, क्लियर, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है हम यहाँ पे डिलेट जो है यूज कर सकते, 1, 2, 3, 4, परफेक्ट, ये हो गया। अब देखो ये मेरा गेट तो है प्रॉपर बन गया है, स्टैंडर्ड से बन गया है, लेकिन यहाँ पे काम और बाकी है। काम ये बाकी है, ये जो है ना इस पे भरपूर तरीके से रेडियस होना चाहिए। इतना बढ़िया मोटर रेडियस होगा उतना प्रॉपर फ्लो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 का मार रहा हूँ, मैं और भी ज़्यादा मार सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो फिलेट है इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब मिनिमम 15 रखना है, यहाँ पे आपको 8, 10, 12 का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये एज गेट का बता रहा हूँ मैं, टेप गेट होगा थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा आपका। इसको मैं हम 8 degree का, मैं 8 का रेडियस मार दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं मोटा चाहता हूँ कि ये मोटा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर तरीके से गेट हो गया, आपका प्रॉपर गेट बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको गेट बनाना है। अब इसको जो है हम इसको मिरर कर देंगे। मिरर करना है, कैसे करना है मिरर इसको। अब मिरर करने के लिए आपको यहाँ पे प्लान चाहिए, ठीक है। इसको हम मिरर कर सकते हैं। तो पहले जो है हम गेट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मैंने इसको मिरर कर लेता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों इसको मिरर करना है, लेकिन मेरा जो मिरर है ना ये सेंटर पे नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मेरा जो ये प्लान है, ये जो मेरा प्लान है, तो मेरा सेंटर पे नहीं है, ठीक है। कौन सी वाली प्लान की बात करते हैं हम, इसको मैं शो कर देता हूँ, तो ये मेरा सेंटर पे नहीं है। तो इसीलिए जब भी ड्रॉइंग बनाता हूँ सेंटर पे होना चाहिए, लेकिन हम इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे स्केच में जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पे सिंपली जाके मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा, उस पॉइंट को मैं यहाँ से 0-0 कर दूँगा, ठीक है। इस पॉइंट के साथ इसको मैं कितना कर दूंगा, 0-0 कर दूंगा, ठीक है।
जीरो कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे आने के लिए यहाँ से एग्जिट करना है, एग्जिट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जाना है, जाने के बाद ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है, पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्केच है इसको सिलेक्ट कर दो, ये ऑटोमेटिकली सेंटर पे एक प्लान आ जाएगा आपका। अब आपको मिरर मानने में इजी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वाला प्लान को हम जो है यहाँ पे हाइड कर देंगे, क्लियर। उसके बाद जो हम यहाँ पे करेंगे मिरर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिरर में हम क्या करेंगे, मिरर में जाएंगे, सबसे पहले प्लान सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये अलग बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिरर हो गया। अगेन जो है यहाँ पे ये मेरा जो ये प्लान है ये जो है ऑलरेडी सेंटर पे ही है, तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं लेना है। सीधा मैं यहाँ पे प्लान सिलेक्ट करूंगा और जो है यहाँ पे तीनों बॉडी को सिलेक्ट कर लूंगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप इसको जो है बना सकते हो। अब इसके बाद जो है इसको यूनिट करना है, यूनिट करने के लिए डायरेक्ट एडिटिंग में जाना है क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेंगे, ना यूट्यूब में मिलेंगे, ना कुछ कहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि सारा चीज़ें समझना है, सीखना भी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये बन गया है, और बनने के बाद यहाँ क्या करना है, यहाँ रेडियस यूज मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस मान लेना है, रेडियस कितने का मानना है, कोशिश करना है कि तीन का ही मार दो। क्यों तीन का मानना है, क्योंकि आप यहाँ पे छः का टूल एटलीस्ट चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है हम छः का टूल चलाएंगे, ठीक है। तीन का जो है एटलीस्ट मैं यहाँ पे रेडियस मार दूंगा, ठीक है। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब जो मेरा बैकग्राउंड में जो ऑब्जेक्ट है जो मेरा यहाँ पे हाइड कर रखा हूं मैं, इसको मैं ले आता हूँ शो करके, ठीक है। मेरा जो है यहाँ पे आइटम जो है, जो मेरा कोर प्लेट है वो यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है सारा चीजें हम लोग का हो चुका है। तो अभी उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका रनर है और जो गेट्स है, जो मेरा रनर है वो किस में है, केबीटी में रहेगा, सबट्रैक भी रहेगा, कोर में भी सबट्रैक रहेगा, दोनों में रहेगा, राइट। पर जो मेरा गेट है ना वो ओनली कोर में रहेगा। तो मैं सबसे पहले जो मेरा ये है ना इसको मैं सबट्रैक कर दूंगा, ठीक है। सबट्रैक करने से पहले इसकी एक डुप्लीकेट बॉडी निकालना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट बॉडी निकालने से पहले, क्योंकि मुझे कोर में भी जो केबीटी है उसमें भी सबट्रैक करना पड़ेगा, तो एज ए कॉपी करके तो यहाँ पे एक बॉडी को मैं यहाँ पर ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके करके इसकी एक डुप्लीकेट बॉडी, मतलब एक एक्सट्रैक्टेड बॉडी बना लूंगा मैं, उसका ये मेरा बॉडी बन जाएगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा रनर है फीडिंग सिस्टम है, इसको एक को मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, मतलब एक को डिलीट कर दिया मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जाने के बाद सबट्रैक कर दूंगा, मेन बॉडी से लेके आपका जो बॉडी रहेगा इसको मैं यहाँ से सबट्रैक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको सबट्रैक कर दूंगा तो आपका जो ये कोर है, कोर से आपका फीडिंग सिस्टम यहाँ से गायब हो जाएगा और आपका चैनल बन जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है, आपको इसी तरीके से गेट वगैरह बनाना है। इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, अभी मेरा जरूरत नहीं है। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है मेरा गेट बनेगा। रनर इस तरीके से आपको बनाना है, कभी दिक्कत नहीं आएगा। पार्ट की वेट के हिसाब से इसके डायमीटर डिसाइड होता है, इसकी कैलकुलेशन किसको अगर सही है तो आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, जिसे नंबर भी मैंशन है। अलग अलग तरीके से फ्री क्लासेस वगैरह भी डालते रहते हो कैलकुलेशन के ऊपर, वो भी जाके आप मेरा जो प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हो। अगर किसी को अगर एडवांस मॉडल सीखना है, नंबर मैंशन है, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह डालते रहता हूँ। सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल भी कराता हूँ, इवन ऑटोमोबाइल की बम्पर कंसोल वगैरह मॉडल भी सिखाता हूँ। जिसको भी जिस हिसाब से क्लास चाहिए, नंबर मैंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिलेबस वगैरह चाहिए तो आप आपको डिटेल वगैरह मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।